मुश्ताक खान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। वो देखें वहाँ पे अंसर भाई, मुश्ताक भाई MBBS क्या कर रहा है भाई? दो बच्चे वाली बकरी आ गई दोस्तों, दो बच्चे दिए माशाल्लाह से बकरी ने। आज ही दूध पिलाया क्या मुश्ताक? वहाँ भेड़ ने अभी दिया, बिल्कुल अभी माशाल्लाह बकरियाँ भेड़ें जो हैं दोस्तों बच्चे दे रही हैं। वो देखें, ये दोनों बच्चे इसी के हैं? नहीं, ये इसका बच्चा दूसरा है, काला वाला दूसरा है, वो उधर है, है। वो देखें, वो दूध पीने की कोशिश कर रहा है दूसरा बच्चा। माशाल्लाह से बकरियाँ और भेड़ें जो हैं वो बच्चे दे रही हैं दोस्तों। ये देखें खूबसूरत बच्चे, क्यूट क्यूट छोटे छोटे। वहाँ पे दोस्तों एक भेड़ ने अभी अभी बच्चा दिया है, मुश्ताक ने बताया है, चल के वो दिखाता हूँ आपको। ये खून लगा हुआ है इसकी टांगों के ऊपर, वो देखें कचरा गिरा रही है, बच्चा खड़ा हुआ है अभी। ये देखें ये बच्चा है बिल्कुल, अभी अभी दिया है भेड़ ने, माशाल्लाह से भाग भी रहा है। देखें ये जानवरों के बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, देती हैं बस एक घंटे के बाद भागना शुरू हो जाते हैं। तुम क्यों बैठे हुए हो हैं? वो भाग गया अभी। काफी प्यारा प्यारा ले लाए दी, देखे माशाल्लाह। इसका बड़ा जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आ चुका है। सबूस खाया है? सबूस खा लिया है? खा लिया सबूस? माशाल्लाह। मुश्ताक भाई सारा दिन दोस्तों बस भेड़ और बकरियों में खड़ा हुआ है माशाल्लाह। इसके हाथ में बाख्त है दोस्तों, बकरियां माशाल्लाह, भेड़े हैं, बहुत सारे बच्चे दे रही हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। पहले बच्चे होते थे पैदा लेकिन बेचारे मर जाते थे सर्दी में, उनका ख्याल अच्छे से रखने वाला कोई नहीं था। अभी मुश्ताक भाई सारा दिन देखें, इंजेक्शन इसके हाथ में, दूध इसके हाथ में, गर्म पानी इसके हाथ में, ये ख्याल रखता है काफ़ी सारा भेड़ों और बकरियों का, इसको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। वाह चाचा, वाह वाह वाह। चाचा जो है वो घास डाल रहे हैं बड़े जानवरों को। बस 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 बस, ये किधर से आ गया, ये किधर से आ गया? चलो भाई चलो चलो चलो, पकड़ो 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 मुश्ताक। चल के पकड़वा लेते हैं मुश्ताक के साथ। ज्यादा पिएगा ठट्टी करेगा, फिर मुश्किल है, दवाई दे ना सकता है, सही है? देगा थोड़ा तो तीस से देगा, फिर माशाल्लाह एक महीना दो महीना बाद में माशाल्लाह खाना खाएगा, फिर सही है। तरतीब इसकी बहुत मुश्किल है लेकिन मुश्ताक को पूरी तरतीब इसकी मालूम है दोस्तों। ये अभी पूरे बच्चों को दूध पिलाएगा, जो बीमार है उसको दवाई देगा, शाम तक सूरज ढलने तक इसका काम खत्म नहीं होगा दोस्तों। अभी फीडर से इसको दूध पिला रहे हैं। इनको दोस्तों इतना दूध पिलाना पड़ता है जितना ये बर्दाश्त कर सकेंगे, अगर ज्यादा देंगे तो फिर भी ये बीमार हो जाएंगे और कम देंगे तो फिर भी ये बीमार हो जाएंगे। अभी जी इनकी बारी है, ये भेड़ के बच्चों की। अभी देखो, वो आवाज़
ओ ओ ओ ओ बड़ा निकल आया। इनको भी अभी दूध पिलाते हो मुश्ताक हैं। इसका भी दूध पिलाया। ये देखें इतना इतना बड़ा माशाल्लाह 2-2.5 महीने का हो चुका है, ये भी अभी दूध पीता है। ये इस बकरी का दूध निकालेंगे दोस्तों, बाकी जो बच्चे बच्चे हुए हैं ना उनको पिलाएंगे। वो बच्चा एक बैठा हुआ बर्तन के नीचे, इसको पिलाएंगे दूध। वो बेचारा काफी भूखा लगता है। क्या हुआ इसकी टांग को? हाँ, इसकी माँ मर गई थी दोस्तों पहले, 5-6 दिन हो चुके हैं। ये बेचारे का पाँव टूटा तो नहीं हुआ है? टूटा नहीं है, थोड़ा बचा है। अभी जी भेड़ के बच्चे 2 बाकी हैं, इनको दूध पिलाते हैं चल के। दरवाजा बंद कर देंगे। ए, 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 2 तो पी चुके हैं दूध। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत? अच्छे हैं माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, गेत खा रहा है माशाल्लाह हमारा गब्बा। खाओ खाओ खाओ। चाचा जो है वो घास डाल रहे हैं बकरियों को। तो दोस्तों बकरियों और भेड़ों के बच्चों को सबको दूध पिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।